नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। छेड़खानी के आरोपी व उसके साथियों ने पीड़ित के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर आरोपियों से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए सीएचसी में जमकर हंगामा किया। राठ क्षेत्र के मजगवा थाने के टोला रावत गाँव निवासी ने बताया कि गाँव के दबंग युवक रोहित ने उनके भाई की बेटी से छेड़छाड़ की थी, जिसका मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी रोहित को जेल भेज दिया था। वह कुछ समय पहले जेल से छूट कर आया था। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके भाई के साथ मारपीट करते हुए हाथ पैर तोड़ दिए थे। आरोप है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बावजूद आरोपी पर कोई सख्ती नहीं दिखाई। करीब 10 बजे उनके भाई किसी काम से राठ जा रहे थे, तभी गाँव के बाहर नहर के पास रोहित कुमार, आशिक, मनीष, प्रशांत और व रंजीत ने घेर लिया। उन्होंने भागने का प्रयास किया, जिस पर आरोपियों ने गोली चला दी। पीठ में गोली लगने पर वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। तुरंत ही उसे सीएचसी राठ ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि थाना पुलिस आरोपी से मिली थी। पुलिस ने सही एक्शन लिया होता तो यह हत्या नहीं होती। परिजनों के आक्रोश व धक्का मुक्की होने पर थाना अध्यक्ष मौके से भाग निकले। अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया थाने के दरोगा गुलाब सिंह की लापरवाही सामने आई है, जिस पर दरोगा को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में दरोगा की भूमिका की जांच की जा रही है। इसके बाद दरोगा गुलाब सिंह के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।